अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 9 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे हाउ टू चेंज यहू अकाउंट पिक्चर। आप यहू की अकाउंट पिक्चर कैसे चेंज कर सकते हैं एंड यहू प्रोफाइल थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पासवर्ड, ईमेल और यूजर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने अकाउंट में और साइन इन साइन आउट कैसे हो सकते हैं आप अपने अकाउंट से। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं ब्राउजर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले हमने अकाउंट क्रिएट करना सीखा था कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साइन इन कैसे हो सकते हैं अपने अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट की पिक्चर चेंज हो जाए, आपके अकाउंट का नेम चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। तैमूर के ऊपर जो ही लेके जाते हो, देखिए यहाँ पे कोई अकाउंट पिक्चर नहीं है और आप अकाउंट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल इन्फो यहाँ पे कम्प्लीट आपको दी गई है। निक नेम आप चेंज कर सकते हैं इसका और नेम तैमूर परवेज, इसका फुल नेम आप चेंज कर सकते हैं। मेल ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अकाउंट की सिक्योरिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेंज करने के लिए आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे। अब देखिए अकाउंट सिक्योरिटी में चेंज पासवर्ड, अगर आपने पासवर्ड चेंज करने तो आप यहां पे क्लिक करें न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म करने इस पासवर्ड को, तो आपके अकाउंट सिक्योरिटी आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड में न्यू देता हूं। ओके, यहां पे इसे कंफर्म करता हूं। आप शो करना चाहे अपना पासवर्ड तो आप यहां से शो कर सकते हैं और यहां से आप इसे कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करें तो आप यहां से देखें पासवर्ड आपने चेंज कर लिया अपनी अकाउंट। पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं और भी इसमें एक्टिविटीज हैं, उसमें आप क्लिक करें। आप ये आपने क्या क्या काम किया वो सारी चीजें आप यहां से इस पे काम कर सकते हैं। प्रीफरेंस पे क्लिक करें, लोकेशन ये चीज आप यहां से देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा अगर आपने इसकी अकाउंट पिक्चर चेंज करनी है तो अकाउंट पिक्चर कैसे चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आप, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अकाउंट पिक्चर को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप अकाउंट इन्फो में आएंगे और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपनी अकाउंट पिक्चर। तो यहाँ पे आपकी अकाउंट पिक्चर इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि अभी हम रिसेंटली अभी हमने यूज किया है अपना अकाउंट। आप डायरेक्ट तैमूर में जाके और यहाँ से अकाउंट इन्फो में जाके आप यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ से चेंज होगी, लेकिन अभी ये चेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अभी इसको नया नया यूज किया है, इस वजह से आपके पास चेंज नहीं होगी पिक्चर वगैरह। या कुछ अर्सा आप यूज करेंगे, यूज करने के बाद आपकी पिक्चर और निक नेम वगैरह ये चीजें चेंज होंगी। तो इसके लिए आप देखें यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ, टूल्स पे क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल है इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको देखें कह रहा है ऑल्दो यू वॉन्ट बी एबल टू लुक एट अदर यूजर प्रोफाइल एनीमोर, यू विल सून बी एबल टू अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर निकनेम एंड अदर अकाउंट सेटिंग। कि अभी हम फिलहाल इस पर चेंजिंग नहीं कर सकते, हम बाद में जब हम काफी अर्सा यूज कर लेंगे, कुछ टाइम लगेगा, हफ्ता 15 दिन अब यूज करेंगे, उसके बाद हम निकनेम भी यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, सारी चीज चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट का थीम चेंज करना चाहते हो, थीम चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डिफरेंट थीम है, आपको जो भी थीम अच्छा लगता है आपको थीम सिलेक्ट करके उसे डन कर दें। ये वाला थीम चेंज करना चाह रहा हूँ और इसको डन कर दे। देखिए आपका चेंज थीम क्या हो गया, चेंज हो गया। आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। तैमूर में जाएं, सॉरी सेटिंग में जाएं, थीम पे क्लिक करें। अगर आप कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ से ये वाला थीम चेंज करना चाह रहे हैं, आप ये वाला चेंज कर सकते हैं। डन,
यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आप कोई भी थीम यहाँ से चेंज कर सकते हो। थीम के बाद आपके पास यहाँ पे सेटिंग में आप और भी सेटिंग्स ही चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना हमने सीख लिया। सेटिंग में जाते हैं, अकाउंट पे क्लिक करें, यहाँ पे यो का अकाउंट है, क्लिक करें इस पे। नेम चेंज करना है, नेम चेंज कर सकते हैं। ईमेल चेंज करना है, आप ईमेल चेंज कर सकते हैं। नेम पे आप क्लिक करें, सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप सेव करेंगे तो ये बस चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फीडबैक है, अकाउंट इन्फो है, ये वही चीजें जो हमने यहाँ से देखी थी अभी, अकाउंट इन्फो, अकाउंट को ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये जब यूज करेंगे आप, आपको सारी चीजों की समझ आ जाएगी आप कैसे इन पे सब काम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे होम है, होम के बाद है मेल, और मेल में हम आगे सर्च पे क्लिक करें तो आपका सर्च ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ से गूगल से या कोई भी चीज सर्च करना चाहें तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। न्यूज पे क्लिक करेंगे, न्यूज आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज आप मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास न्यूज आ जाएगी, और फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास न्यूज आ गई सारी की सारी। स्पोर्ट्स वाला चेक करते हैं तो आपके पास सारा स्पोर्ट्स की न्यूज आ जाएंगी। फाइनेंस पे क्लिक करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास आ जाएंगी। वेदर, गेम सर्च करते हैं, आप यहां से गेम सर्च कर सकते हैं। आंसर क्लिक करें, आप आंसर से क्या है कि आप कोई भी चीज अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर देगा कंप्यूटर, आंसर दे दिया इसने। थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट व्हाट इज कंप्यूटर, क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इसका आंसर दे देगा। स्क्रीन है फ्लिकर, इसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप अपनी कोई भी पिक्चर जो है, जब अगर अकाउंट बना हुआ है तो अब देखिए यहाँ पे आप अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ से आप व्यू में जाएं, और कैमरा रोल है, फोटो स्ट्रीम है, एल्बम वगैरह आप क्रिएट करना चाहें क्लिक करेंगे, जहाँ की पिक्चर पड़ेगी आपको पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर लें अपनी, कोई भी पिक्चर नहीं है यहाँ पे क्लिक करें। देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके हम प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं, कभी काफी टाइम से हम यूज कर रहे हैं इसको, देखते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर चेंज होगी कि नहीं। ओके, ब्राउज करें अपनी पिक्चर को, जहां कहीं पिक्चर पड़ी हुई आप उनको सर्च करें। ये पिक्चर है, मैं फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर से ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये पिक्चर यहाँ पे से ऐड हो जाएगी। आप यहाँ से सर्च करें अपने पिक्चर को और आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एल्बम क्रिएट करना चाहें तो आप एल्बम सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपलोड करना चाहें पिक्चर वगैरह तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर में बस एक ही आगे देख सकते हैं, दूसरी एक और जो पिक्चर में सेलेक्ट किया वो भी यहाँ पे आ जाएगी। सेलेक्ट करता हूँ इसको मैं, सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे पिक्चर मेरी ऐड हो जाएगी। देखिएगा, बैकग्राउंड पिक्चर आप चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ऐड हो गया, बैकग्राउंड पिक्चर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे,
देखें बैक पे ये पिक्चर लग गई है, चेंज करना चाहिए तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, गाना चेंज कर सकते हैं, एल्बम है, कैमरा रोल है, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। एल्बम है, फेवरेट है, ग्रुप बनाना चाहें, क्रिएशन करना चाहें, स्टेटस है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। फोटो वगैरह सर्च करना चाहें कर सकते हैं, रिसेंट फोटो कौन से हैं क्रिएट करना चाहें, अगर कोई एल्बम वगैरह तो आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, वॉल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं खुद ऑटोमेटिकली। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, ठीक है, आप खुद अपनी मर्जी से वॉल वगैरह ये सारी चीजें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, खुद अगर आपने क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये योग की कुछ खूबियां हैं, और आप यहाँ से कुछ अकाउंट बना सकते हैं जैसे कि आप फेसबुक में बनाते हैं, और ये सारे के सारे जितने भी सोशल मीडिया है, और उसके अलावा आपके जी मेल आ गया है, आपका यो आ गया है, इसके अलावा और आपके पास हॉट मेल आ गए, जितने भी अकाउंट इनके बनते हैं तो आप इनमें ये काम भी कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, अपने एल्बम बना सकते हैं, आप कंप्लीट अपना ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं, अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आप यूज़ करें, तो यूज़ करने के बाद आपको इंशाल्लाह इस पर आसानी होगी इस पर काम करने में। तो आज के लेसन तक कितना ही, इसको मैं बैक करता हूँ यहाँ से, साइन आउट करना चाहे अपने अकाउंट से तो आप यहाँ पे देखें साइन आउट लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप अपने अकाउंट से साइन आउट मीन बाहर चले जाएंगे, और अगर साइन इन करना है तो आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे लिखा है कीप यू साइन इन, अगर आपका अपना सिस्टम अपना कंप्यूटर है तो आप इसको चेक रखें, क्योंकि आप जब भी साइन इन करेंगे तो ये डायरेक्ट साइन इन हो जाएगा, और अगर आप बाहर कहीं इंटरनेट कैफे में या किसी और किसी फ्रेंड के घर में बैठ के आप अगर इंटरनेट यूज करें वहां पे आप अपना अकाउंट साइन इन कर रहे हैं तो इसको अनचेक रहने दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी आप अपना अकाउंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगेगा, तो आप इसको अनचेक ही रहने दें अगर किसी और के सिस्टम में अगर आप यूज करें तो। अब देखें जस्ट मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ पासवर्ड, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया था, साइन इन करता हूँ तो मेरे पास ये साइन इन हो जाएगा। साइन इन में आप मेल में जाना चाहें तो मेल में जा सकते हैं, और यहाँ पे हर चीज पे आप जाना चाहें लाइव में जाना चाहें ये देखें स्क्रीन में जाना चाहें मोबाइल में जाना चाहें मोर, आप इन सब चीजों में यहाँ पे जा सकते हैं। ओके तो आज के लेसन तक इतना ही काफी, नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कैसे कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।